सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एस्पिरेंट्स क्लासेस। इन दिस वीडियो वी डिस्कस इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस, इनवर्स ऑफ ए परम्यूटेशंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस के बारे में कि दो परम्यूटेशंस को इक्वल कब कहते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले भी परम्यूटेशंस का कुछ वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस। इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस को हम लोग एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा इसका डेफिनेशन। सबसे पहले दो परम्यूटेशन ले रहे हैं f, जहां पर 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का 3, 4 का 1, और एक दूसरा परम्यूटेशन ले रहे हैं g, जिसमें 2 का इमेज 4, 1 का 2, 4 का 1 और 3 का इमेज 3। दिस टू परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री 4, ये डिग्री 4 का दो परम्यूटेशन लिए हुए। अब यहां पर देखिए 1 का एक इमेज क्या आता है, 1 का एक इमेज 2 है, 2 का z इमेज क्या है, 2 का f इमेज क्या है, f इमेज ऑफ 2 इज 4, f इमेज ऑफ 3 इज 3 एंड f इमेज ऑफ 4 इज 1। इस परम्यूटेशन में देखिए g इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, g इमेज ऑफ 1 इज 2, g इमेज ऑफ 4 इज 1, g इमेज ऑफ 3 इज 3। अब ये दोनों परम्यूटेशन में देखिए कि 1 का जो f इमेज है, 1 का f इमेज 2 है और यहां पर 1 का g इमेज 2 है, तो f 1 का f इमेज और 1 का g इमेज दोनों इक्वल है। 2 का f इमेज देखते हैं, 2 का f इमेज 4 है और यहां पर g इमेज 2 का है 4, तो f इमेज ऑफ 2 एंड g इमेज ऑफ 2 दोनों सेम है, दोनों का सेम इमेज सेम है, तो f इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू g इमेज ऑफ 2। अगेन वी सी दैट f इमेज ऑफ 3 इज 3 एंड g इमेज ऑफ 3 इज 3, सो वी कैन से दैट f इमेज ऑफ 3 एंड g इमेज ऑफ 3 बोथ आर इक्वल। फिर देखते हैं f इमेज ऑफ 4 इज 1 and g image of 4 is 1, both are equal, f image of 4 and g image of 4, if these two are equal। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये दो permutation जो लिए हुए हैं वो set S में defined है। set S हम लोग 1, 2, 3, 4 ले रहे हैं, ये set S में दो permutation defined हुआ है। अब set S का प्रत्येक element का f image और g image same है, 1 का भी f इमेज g इमेज सेम है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, आप चेक कीजिए यहाँ पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि f इमेज ऑफ x इज इक्वल टू g इमेज ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अगर ऐसा कोई दो परम्यूटेशन मिल जाए जिसमें से s के प्रत्येक एलिमेंट के लिए दोनों का इमेज f इमेज और g इमेज सेम है, तो ऐसे ही परम्यूटेशंस को हम लोग कहेंगे इक्वल परम्यूटेशंस। तो आप देखिए डेफिनेशन इक्वल परम्यूटेशंस का कि f और g दो परम्यूटेशन ले रहे हैं, सेट s में डिफाइंड है, देन वी डिफाइंड f इक्वल टू g, ये दोनों परम्यूटेशन इक्वल होगा इफ f इमेज ऑफ x इज इक्वल टू g इमेज ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। इसका प्रत्येक मेंबर के लिए f इमेज और g इमेज दोनों इक्वल होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे परम्यूटेशंस को हम लोग कहेंगे इक्वल परम्यूटेशंस। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट s का प्रत्येक एलिमेंट का f इमेज और g इमेज सेम है, तो ये दोनों इक्वल परम्यूटेशन होंगे। आप यहां पर डायरेक्ट देख सकते हैं, यहां से ही देख सकते हैं कि 1 का इमेज 2 है, यहां पर भी 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है, यहां पर भी 2 का इमेज 4 है, यहां 3 का 3 है, यहां पर भी 3 का 3 है, यहां पर 4 का 1 है, यहां पर भी 4 का 1 है, तो प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेम है, इसीलिए ये दोनों परम्यूटेशन जो है वो इक्वल परम्यूटेशन होंगे। आप यहां पर देखिए क्या हुआ है, ये दोनों परम्यूटेशन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो 2, 4 जो ये कॉलम है, ये कॉलम फर्स्ट में आ गया यहां पर देखिए, और ये जो फर्स्ट में कॉलम था वो चला गया यहां पर 1, 2,
फिर ये जो कॉलम 4-1 लास्ट में था वो यहाँ पर आ गया है 4-1, और ये कॉलम चला गया है यहाँ पर। तो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देने से परम्यूटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों परम्यूटेशन जो है वो इक्वल परम्यूटेशन है, एफ और जी दोनों इक्वल परम्यूटेशन है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि परम्यूटेशंस में अगर कॉलम को इंटरचेंज कर दे या कॉलम को कहीं इधर उधर कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं दूसरे तरीके से, तो परम्यूटेशन जो है वो सेम होता है। कॉलम मीन्स आप 2-4 जो कॉलम है ये पूरा कॉलम को उठा करके यहाँ कीजिएगा, ये पूरा कॉलम को यहाँ कीजिएगा, तो उससे कोई परम्यूटेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए सेट एस में एक और परम्यूटेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, 1, 2, 3, 4 एक सेट है, और एक परम्यूटेशन हम लोग लेते हैं एफ 2, 1, 3, 4। आप इसको ऐसे लिखिए 1, 2, 3, 4, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 1 और 4 का इमेज जो बच गया 3, सपोज कीजिए ऐसा। तो आप क्या कीजिए, हम लोग ऑर्डर को, इस ऑर्डर को उठा करके यहाँ कर दिए 2, 4, इस ऑर्डर को सॉरी इस कॉलम को उठा करके यहाँ कर दिए, इस कॉलम को उठा करके यहाँ कर दे रहे हैं 4, 3, इस कॉलम को यहाँ कर दे रहे हैं 1, 2, और एक और जो लास्ट बच गया 3, 1 उसको यहाँ कर दिए। तो कॉलम को इंटरचेंज कर दिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों परम्यूटेशन जो है वो सेम है। ये नया परम्यूटेशन अगर आप इसको जी मान लेते हैं तो ये एफ और जी दोनों सेम है। आप इमेज देखिएगा, 1 का इमेज 2 है, यहाँ पर भी 1 का 2 है, यहाँ 2 का 4 है, यहाँ पर भी 2 का 4 है, यहाँ पर 4 का 3 है, यहाँ पर भी 4 का 3 है, यहाँ 3 का 1 है, यहाँ पर भी 3 का 1 है, तो ये दोनों परम्यूटेशन जो है वो इक्वल होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन को देखिए, हम लोग इसको आइडेंटिटी परम्यूटेशन को समझने के पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर मैं डिफिनेशन बताऊंगा। एक सेट ले रहे हैं एस जिसमें से 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अब इसमें एक परम्यूटेशन डिफाइन करते हैं। परम्यूटेशन को, परम्यूटेशन एक फंक्शन होता है जो सेट एस में डिफाइन होता है, तो फंक्शन को एफ जी वगैरह से डिनोट करते हैं। हम लोग यहां पर परम्यूटेशन को आई से डिनोट कर रहे हैं और ऐसा परम्यूटेशन बना रहे हैं। सपोज कीजिए 1, 2, 3, 4, यहाँ एस का मेंबर पहले फर्स्ट रो में लिखते हैं और उसका इमेज यहाँ नीचे लिखते हैं। तो 1 का इमेज सपोज कीजिए 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है और 4 का इमेज 4 है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज खुद वही है। अगर ऐसा कोई परम्यूटेशन है तो ऐसे परम्यूटेशन को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो देखिए इसका डेफिनेशन, इफ ए परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n इज सच दैट द आई इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट इज द सेम एलिमेंट। अगर इसका मतलब हो गया कि x अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो x का i इमेज खुद x होना चाहिए प्रत्येक x के लिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट का इमेज खुद वही होगा। अगर ऐसा कोई परम्यूटेशन मिलता है तो वैसे परम्यूटेशन को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो अब हम लोग आगे देखेंगे इनवर्स ऑफ ए परम्यूटेशन। तो अब हम लोग देखते हैं इनवर्स परम्यूटेशन। आप समझिए एफ कोई परम्यूटेशन ले रहे हैं, डिग्री एन का है और सेट एस में डिफाइंड हो रहा है। एफ परम्यूटेशन डिग्री एन का सेट एस में डिफाइंड हो रहा है, तो अगर परम्यूटेशन है इसका मतलब वो एफ एक फंक्शन होगा एस से एस में, और वो कैसा फंक्शन होगा 1-1 और ऑन 2। अगर अब ये फंक्शन जो है वो 1-1 ऑन 2 और बाइजेक्शन है तो ये इनवर्सिबल हो, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट और एफ इनवर्स भी खुद एक एस से एस में एक फंक्शन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एस से एस में एक फंक्शन हो जाएगा। और अगर एफ 1-1 ऑन 2 है तो उसका इनवर्स भी क्या होता है 1-1 ऑन 2। तो इसका मतलब एफ इनवर्स भी एस से एस में एक फंक्शन है और ये 1-1 ऑन 2 है, यानी कि ये खुद एक परम्यूटेशन हो गया। परम्यूटेशन उसी को कहते हैं जो सेट एस से एस में डिफाइंड होता है, वो 1-1 ऑन 2 होना चाहिए। तो एफ इनवर्स यहाँ 1-1 ऑन 2 भी है और एस से एस में डिफाइंड है, इसीलिए एफ इनवर्स भी एक परम्यूटेशन हो गया और डिग्री एन का, क्योंकि इसमें एन एलिमेंट होगा तो एफ इनवर्स भी एक परम्यूटेशन हो गया डिग्री एन का। तो अगर एफ कोई परम्यूटेशन है तो उसी फंक्शन का जो इनवर्स है वो भी एक परम्यूटेशन होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स परम्यूटेशन। इसी एफ इनवर्स को, एफ इनवर्स इज द इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ एफ। तो आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। सपोज करते हैं एस हम लोग एक एलिमेंट सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4
और यहाँ पर एक फंक्शन परम्यूटेशन डिफाइन करते हैं, 1, 2, 3, 4 पहले सेट S का मेंबर और नीचे उसका इमेज लिखते हैं। सपोज कीजिए 1 का इमेज 2 है, 2 का 3 है, 3 का 1 है और 4 का 4 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स बड़ा आसानी से निकल जाएगा, जस्ट उल्टा कर देना है उसी फंक्शन का इनवर्स। आप क्या कीजिए, इसको ऊपर लिख जाइए 2, 3, 1, 4 और ऊपर वाला जो रो है उसको नीचे लिख जाइए 1, 2, 3, 4, तो ये इनवर्स परम्यूटेशन मिल गया। मतलब क्या हुआ कि 1 का इमेज 2 है तो इनवर्स परम्यूटेशन में 2 का इमेज 1 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ 2 का इमेज 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3 का इनवर्स परम्यूटेशन में 3 का इमेज 2 हो जाएगा। अगर 3 का 1 है तो इनवर्स परम्यूटेशन में 1 का इमेज 3 हो जाएगा, और 4 का 4 है तो यहाँ पर इनवर्स रिवर्स करेंगे तो 4 का 4 ही रह जाएगा। तो ये हो गया इनवर्स परम्यूटेशन, यानी सिर्फ रो, दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर देना है, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे ले जाना है। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। आप क्या कीजिए, मैं भी इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस बता चुका हूं, तो आप ये 1, 3 को आप यहां ले आइए, 1, 3 यहां पर और 2, 1 को उसके बाद ले जाते हैं, 2, 1 और उसके बाद 3, 2 लिख जाते हैं और फिर लास्ट में 4, 4 लिखते हैं। तो आप इस परम्यूटेशन को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन का, इस परम्यूटेशन का ये इनवर्स परम्यूटेशन होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस, दो परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दो परम्यूटेशन का कंपोजिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में। यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस देखते हैं। हम लोग एक सेट ले रहे हैं जिसमें से 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर एक परम्यूटेशन डिफाइन करते हैं। सपोज करते हैं सबसे पहले सेट S का मेंबर हम लोग लिख जाते हैं और उसका इमेज लिखते हैं, 1 का सपोज कीजिए 2 है, 2 का 3 है और 3 का 1 है, एक परम्यूटेशन हो गया। एक दूसरा परम्यूटेशन G लेते हैं, 1, 2, 3, 1 का इमेज 1, 2 का 3 और 3 का 2, ये दो परम्यूटेशन ले रहे हैं। अब ये दोनों का प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप ये समझिए, एफ इंटू जी निकालते हैं। तो सबसे पहले आप एफ को लिख जाइए 1, 2, 3, 2, 3, 1 और फिर उसके बाद जी परम्यूटेशन को लिखिए 1, 2, 3 फिर 1, 3, 2। अब इसके बाद ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका रो लिख जाना है आपको यहाँ पर 1, 2, 3। अब देखिए इसका इमेज कैसे लिखेंगे, 1 का इमेज यहाँ 2 है और यहाँ पर देखिए 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 3 है तो 1 का इमेज हम लोग 3 लिखेंगे इसमें। अब देखिएगा 1 का मैं इमेज यहाँ निकालिए कि 1 का एफ इमेज 2 है और 2 का जी इमेज 3 है तो प्रोडक्ट में 1 का इमेज हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर देखिए 2 का इमेज लिखना चाह रहे हैं तो 2 का 3 है और फिर 3 का 2 है तो 2 का हो जाएगा 2 एंड 3 का इमेज 1 है और 1 का यहाँ पर देखिए 1 है तो 3 का इमेज हो जाएगा 1। तो ये प्रोडक्ट हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्या करना है, जो यहाँ पर रो है उसी तरीके का रो यहाँ पर बना दीजिए, आइडेंटिकल कर दीजिए। तो कैसे करेंगे आप जरा समझिएगा, सेकेंड मेथड में एफ इंटू जी हम लोग दूसरे तरीके से कैसे कर रहे हैं। आप पहले ये लिख जाइए 1, 2, 3, 2, 3, 1 और अभी इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशंस में बता चुके हैं, इसको हम लोग चेंज करके भी लिख सकते हैं। तो 2 पहले लाइए, तो 2 पहले लाएंगे तो इसको आप इसको यहाँ ले आइए 2, 3 और 1, 1 को यहाँ पर, सॉरी 1, 1 नहीं, यहाँ पर 2 है उसके बाद 3 होना चाहिए तो 3 है तो 3, 2 को आप पहले ले आइए 3, 2 और फिर लास्ट में 1 होना चाहिए तो लास्ट में 1 होना चाहिए तो इस कॉलम को आप लास्ट में ले जाइए 1, 1। देखिए मैं क्या किया हूं, यहाँ पर 2, 3 को पहले लिख दिया हूँ इस कॉलम को, फिर उसके बाद 3, 2 को लिखा हूँ और जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में ले गया हूँ। तो ये दोनों परम्यूटेशन जो है वो इक्वल परम्यूटेशन है। तो हम लोग एफ को तो लिखे ही हैं और जी को थोड़ा चेंज करके लिखे हैं और ये क्यों किए हैं, इसमें हम लोग का ये जो लास्ट रो है और इसका फर्स्ट रो आइडेंटिकल हो गया, यहाँ 2, 3, 1 है, यहाँ भी 2, 3, 1 है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट रो लिख जाइए
और ये देखिए ये जो रो है ये रो आइडेंटिकल है, तो ये दोनों को हम लोग ओमिट कर देंगे और ये लास्ट वाला रो लिख जाएंगे यहाँ पर 3, 2, 1, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, इस दो परमुटेशन का ये प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए ये इस तरीके जो फर्स्ट मेथड से जो किए हैं और जो भी सेकेंड मेथड से हम लोग काम किए हैं दोनों सेम है। यहाँ पर भी 1 का इमेज 3 है 1 का 3 है, 2 का 2 है 2 का 2, 3 का 1 3 का 1, तो आप इस मेथड से या इस मेथड से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो ये हम लोग दो परमुटेशन का प्रोडक्ट निकाले हैं, एक एफ इंटू जी निकाले, जी इंटू एफ निकालते हैं, जी इंटू एफ। तो आप पहले जी को लिख जाइए 1, 2, 3, 1, 3, 2, और फिर एफ को लिख जाते हैं, एफ परमुटेशन है 1, 2, 3 और 2, 3, 1। तो आप किसी भी मेथड से ये प्रोडक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो सेकेंड मेथड में बताया हूँ उसी मेथड से इसका प्रोडक्ट करता हूँ। तो यहाँ जो रो है उसी के आइडेंटिकल मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो 1 है शुरू में, तो 1 यहाँ पर भी है, आप इसको बिल्कुल सेम रहने दीजिए। उसके बाद 3 वाला लिखिए, तो 3 का कॉलम ये है 3, 1 लिख जाते हैं। फिर उसके बाद 2 वाला लिखिए, तो 2, 3 को यहाँ पर लिख जाते हैं। इसको हम लोग चेंज कर दिए, ये तो ज्यो का त्यों, ये इधर ले आए इसको उधर ले गए, दोनों इक्वल परमुटेशन है, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब इसका प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, तो प्रोडक्ट करते हैं तो इसका फर्स्ट रो लिख जाइए 1, 2, 3, इसका जो सेकेंड रो है और ये सेकेंड रो दोनों, इसका फर्स्ट रो दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो ये ओमिट हो जाएगा और लास्ट में 2, 1, 3 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए f इंटू जी भी यहाँ पर हम लोग निकाले हैं और g इंटू एफ निकाले हैं। अब देखिए दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ 1 का इमेज 3 है और यहाँ पर 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 2 है, यहाँ 2 का 1 है, यहाँ 3 का 1 है, वहाँ 3 का 3 है। ये दोनों परमुटेशन सेम नहीं है, f इंटू जी और g इंटू एफ दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है परमुटेशन का। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ और जी हम लोग थर्ड डिग्री का दो परमुटेशन लिए, तो दोनों को जो प्रोडक्ट किए एफ इंटू जी या जी इंटू एफ निकाले, तो वो भी क्या आया, थर्ड डिग्री का परमुटेशन आया। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, अभी मैं आइडेंटिटी परमुटेशन के बारे में बताया हूँ, अगर एफ को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो एफ परमुटेशन ही होगा, या अगर आई को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एफ आएगा, एक ये चीज। और दूसरा आप देख सकते हैं कि मैं इनवर्स के बारे में बताया हूँ कि एफ को अगर एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा, या एफ इनवर्स इनटू एफ भी आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। तो आप ये खुद ट्राई करके देख सकते हैं। अब मैं साइक्लिक परमुटेशंस का प्रोडक्ट बताऊंगा। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक परमुटेशंस देख रहे हैं, सपोज करते हैं एस कोई एक सेट है हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4, एंड वी डिफाइन टू साइक्लिक परमुटेशंस। सपोज दैट एफ इज ए साइक्लिक परमुटेशन व्हिच इज 1, 3, 2 एंड जी इज अनदर साइक्लिक परमुटेशन 1, 4, ये दो साइक्लिक परमुटेशंस ली। अब ये दोनों का अगर प्रोडक्ट करना है एफ इंटू जी करना है तो कैसे करेंगे, देखिए परमुटेशंस 1, 3, 2 साइक्लिक परमुटेशंस है, साइक्लिक परमुटेशन ये भी साइक्लिक परमुटेशन है, ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो आप इसको कंप्लीट परमुटेशन लिख जाइए 1, 2, 3, 4, आप ये पूरा सेट इसका मेंबर लिखिए। ये साइक्लिक परमुटेशंस का मैं वीडियो एक मेरे चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं साइक्लिक परमुटेशंस क्या होता है। तो यहाँ पर 1 का इमेज 3 है, तो 1 का इमेज ये नेक्स्ट वाला इमेज होता है, तो 1 का इमेज 3 है तो 1 का 3 लिखेंगे, फिर 3 का इमेज 2 है तो 3 का इमेज हम लोग 2 लिखेंगे, और लास्ट का इमेज फर्स्ट होता है तो 2 का इमेज 1 लिखेंगे, और जो अनचेंज यहाँ पर नहीं है वो अनचेंज होता है तो 4 का इमेज 4 होगा। यहाँ पर फिर ये पूरा परमुटेशन लिखते हैं, ये साइक्लिक परमुटेशन को कंप्लीट परमुटेशन लिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 है, तो 1 का इमेज 4 होगा और 4 का इमेज 1 होगा, और जो नहीं लिखा हुआ है वो अनचेंज होगा। अब हम लोग फिर जैसे मल्टीप्लाई करते थे परमुटेशंस को वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 1, 2, 3, 4, ये सबसे ऊपर वाला फर्स्ट रो लिख जाइए। आप देखिए 1 का इमेज यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 का इमेज 3 है तो 1 का इमेज 3 होगा, 2 का इमेज 1 है और 1 का इमेज 4 है तो 2 का इमेज हो जाएगा 4,
3 का इमेज 2 है और 2 का इमेज 2 है तो 3 का इमेज हो जाएगा 2 और 4 का 4 है 4 का 1 है तो 4 का इमेज हो जाएगा 1। तो ये दो साइक्लिक परम्यूटेशंस का हम लोग प्रोडक्ट किए। आप खुद G और F को भी प्रोडक्ट करके देख सकते हैं। अब ये जरा देखिए ये साइक्लिक परम्यूटेशंस के फॉर्म में है या नहीं, या लिख सकते हैं या नहीं, आप देखिए। सबसे पहले 1 लिख जाइए, 1 का इमेज 3 है तो 1 के आगे 3 लिखेंगे, फिर 3 का इमेज 2 है तो 3 के आगे 2 लिखेंगे, फिर 2 का इमेज 4 है तो 2 के आगे 4 लिखेंगे और 4 का इमेज 1 है तो 4 का लास्ट वाला जो है उसका इमेज ये हो गया। तो इसको भी हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशंस के प्रोडक्ट साइक्लिक परम्यूटेशंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप यहां पर देखिएगा 1 का 3 तो 1 का 3 हो गया, 3 का 2 तो 3 का 2 हो गया और 2 का 4 तो 2 का 4 और फिर 4 का 1 तो 4 का लास्ट वाला का फर्स्ट होता है। तो ये दो साइक्लिक परम्यूटेशंस का प्रोडक्ट ये आ गया। तो फ्रेंड्स ये परम्यूटेशंस का मैं कुछ बेसिक डेफिनेशन वगैरह मैं बताया हूँ और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ साइक्लिक परम्यूटेशंस के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर किसी भी तरीके का कुछ भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।